नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक होममेड रेमेडीज के बारे में जानते हैं, जिसके सहारे आप अपने उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, निम्न रक्तचाप हो तो गाजर के रस में शहद मिला करके पिए। उच्च रक्तचाप में केवल गाजर का रस पीने से आपको रक्तचाप शीघ्र ही संतुलित हो जाएगा यानी कि लाभ मिलेगा। जी हाँ, गाजर एक ऐसी औषधि है जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों में कार्य करता है। बस आपको इसके प्रयोग का तरीका बदलना है। अगर लो ब्लड प्रेशर है आपको तो गाजर का रस उसमें शहद मिला करके पीजिए, और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो गाजर का केवल रस पी लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। सर्पगंधा को कूट पीस करके सुरक्षित रख लें। इस चूर्ण को सुबह एवं शाम को 2-2 ग्राम की मात्रा में खाने से बढ़ा हुआ रक्तचाप सामान्य हो जाता है। नंगे पैर घूमने वालों को रक्तचाप नहीं बढ़ता है। प्रतिदिन थोड़ी देर नंगे पांव घूमना हृदय के लिए परम गुणकारी होता है। गेहूं की बासी रोटी प्रातःकाल के समय दूध में भिंगो करके खाने से उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाता है। 50 ग्राम बाल छड़ कूट करके पीस लीजिए, सुरक्षित रख लीजिए इसको। इसे प्रतिदिन 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक की मात्रा में सेवन करते रहिए, इससे उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। गन्ने के रस के साथ अदरक का रस मिला करके पीने से उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाता है। प्रतिदिन सुबह लहसुन की कच्ची कली छील करके खाने से कुछ ही दिनों में उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाता है। पुराना तांबे का सिक्का आग में गर्म करके पानी में बुझा लें। यह पानी लगातार कई दिनों तक पीते रहने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। प्याज का रस और शहद 20-20 तोला तथा मिश्री 10 तोला, इन तीनों को मिला करके एक शीशी में भर करके रख लीजिए। इसे 1 तोले की मात्रा में हर रोज सेवन कीजिए, इससे उच्च रक्तचाप आपका कंट्रोल हो जाएगा। तरबूज के बीज की गिरी और खसखस सफ़ेद अलग अलग पीस करके बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए। इसे 3 ग्राम 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट जल के साथ लीजिए। इस प्रयोग से भी रक्तचाप कम हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार 3 से 4 सप्ताह तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। 1 चम्मच यानी कि 3 ग्राम मेथी शुष्क दाना, ये ध्यान रखें, इसके चूर्ण की फंकी सुबह शाम खाली पेट 10 से 15 दिन पानी के साथ लेते रहने से उच्च रक्तचाप कम हो जाता है। इस प्रयोग से मधुमेह यानी कि डायबिटीज में भी लाभ होता है। सुबह खाली पेट लहसुन की 2 से 3 कलियों को छील लें। इसके बाद प्रत्येक कली के 3 से 4 टुकड़े करके थोड़े से ताजे जल के साथ चबा लें, अथवा इन टुकड़ों को पानी के घूंट के साथ निगल लें। इस विधि के अनुसार कच्चे लहसुन का सेवन करते रहने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शीघ्रता से घटने लगती है, उच्च रक्तचाप कम हो जाता है तथा ट्यूमर बनने से रुकता है। गेहूं और चना बराबर मात्रा में लेकर आटा पिसवाएं। इसके बाद इस आटे की चोकर सहित रोटी बनवा करके खाएं। इस प्राकृतिक उपाय से 1 से 2 दिन में ही उच्च रक्तचाप में आपको सुधार नज़र आने लगेगा। रात्रि के समय तांबे के किसी पात्र में रखा हुआ पानी सुबह पीने से उच्च रक्तचाप कम हो जाता है तथा उसके नियंत्रण में सहायता मिलती है। सवेरे के समय निहार मुँह यानी कि खाली मुँह डाल का पका हुआ पपीता 1 महीने तक निरंतर खाएं। पपीता खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी न खाएं पिएं। इस प्रयोग से भी उच्च रक्तचाप का कष्ट दूर हो जाता है। तुलसी की पत्तियां 4 नग और नीम की कोमल पत्तियां 2 नग लेकर के 2 से 4 चम्मच पानी के साथ घोट कर 5 से 7 दिन सवेरे के समय निहार मुँह यानी कि खाली पेट पीने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। उच्च रक्त में यानी कि उच्च रक्तचाप में 100 ग्राम आधा कप पानी में आधा नींबू निचोड़कर दिन में 2 से 3 बार 2-2 घंटे के अंतराल से पीते रहने से तुरंत लाभ होता है। उच्च रक्तचाप में 2 सेब नित्य खाइए, आपको लाभ होगा। अगर सुबह खाली पेट खाते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। उच्च रक्तचाप रक्त की गर्मी नित्य आंवले का मुरब्बा खाने से ठीक हो जाता है। आंवला रक्त शोधक है। पिसा हुआ आंवला गाय के दूध के साथ पीने से हृदय के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। सूखा आंवला समान मात्रा में यानी कि उसके बराबर मिश्री पीस लीजिए उसके साथ, और 1 चाय के चम्मच भर करके मात्रा हर रोज पानी के साथ लीजिए। हृदय के हर प्रकार के रोग इससे दूर हो जाते हैं। आंवले का मुरब्बा दूध से लेने से
स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा किसी भी प्रकार के हृदय विकार उत्पन्न होने की संभावना आपको नहीं रह जाती है। उच्च रक्तचाप में केला खाना लाभप्रद है। केले में सोडियम कम होता है तथा पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रण रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है और रखता भी है ये। तो इसीलिए आप सभी के लिए आज हम ये सारी जानकारी लेकर के आप सभी के लिए आए थे, ताकि आप इसका लाभ लेकर के और उच्च रक्तचाप की समस्या से बच सकें। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।